الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमान के ऊपर नमाज को फ़र्ज फ़रज़ करार दिया है और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। नमाज का कज़ा करना बहुत बड़े गुनाहों में से है, अल्लाह की नाराज़गी के अलामात में से है। अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग मर्द हैं, औरतें हैं, तौबा तायब हो जाते हैं, पिछली ज़िंदगी की हर गुनाह से तौबा करना चाहते हैं, कर लेते हैं, कोई बेहयाई में, कोई किसी में। तो आम तौर से एक कॉमन सवाल करते हैं कि हज़रत, जो नमाजें हमारी कज़ा बाकी हैं ज़िंदगी की, 10 साल की, 20 साल की, 30 साल की, 5 साल की, इनका क्या करें। कज़ा नमाजों का अदा करना ज़रूरी है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, लाजमी है। नबी अलैहिस्सलाम की जिहाद के मौके पे नमाज कज़ा हुई तो आपने कज़ा अदा की, तो नमाज का कज़ा अदा करना, कज़ा नमाज को दोबारा पढ़ना, ये हमारे ऊपर कर्ज़ है और कर्ज़ का अदा करना ये फ़र्ज़ है। अब जो साथी तौबा कर चुके हैं, मर्द हैं या औरतें हैं, तौबा तो कर ली, अब ये क्या करें। पहली बात, अब आने वाले जो नमाजें हैं जिंदगी की, इनको कज़ा ना होने दें, इनको टाइम पर पढ़ें, अदा करें। और दूसरी बात कि पिछली नमाजों का हिसाब लगाएं। बाज़ लोग कह देते हैं जी रमज़ान के आखिरी जुम्मे में या फलां वक्त में नमाज पढ़ लो तो जिंदगी की कज़ा नमाजें माफ़, ये सब फजूल बात है, गलत है। कुछ कहते हैं जी हरम में 1 लाख का सवाब मिलता है हरम शरीफ में, तो वहां जाके पढ़ लो तो पिछला माफ। नहीं, ऐसा भी नहीं है। हर नमाज जो कज़ा हमारी हुई, अलग अलग उसका अदा करना हमारे जिम्मे लाजिम है, और क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। जिसकी नमाज पूरी निकल आई उसका मामला बाकी भी ठीक निकल आएगा, हदीस है, और जिसकी नमाज पूरी ना निकली वो बाकी मामलात में भी गड़बड़ निकलेगी। तो नमाज का पूरा करना जरूरी है, इसका तरीका आप समझ लीजिए। और मजीद तफसील पूछनी हो तो फोन पे पूछ लें या मुफ्ती हजरात उलामा हजरात से पूछ लें, एक जनरल सी बात बताई जा रही है। अब इनफरादी तौर पे कुछ और सवाल जहन में हो तो वो फिर फोन पे पूछ लिए जाएं या उलामा से, मुफ्ती हजरात से पूछ लिए जाएं। देखिए मिसाल के तौर पर एक आदमी है, 25 साल आज उसकी उम्र है, आज उसने तौबा की। अब मर्द अगर है तो ये 12 साल की उम्र में बालिग होता है, औरत अगर है तो 9 साल की उम्र में बालिग होता है। ये 9 और 12, इन दोनों फिगरों को याद रखें। अब 25 साल की उम्र में एक आदमी ने तौबा की, अगर ये मर्द है, अगर इसको मालूम है कि मैं किस दिन और किस तारीख को और किस वक्त बालिग हुआ था, तब तो ठीक है, उसी के हमारे अकाबिर इसका ख्याल रखते थे, अपनी औलाद का फिक्र रखते थे किस दिन बालिग हुआ। जिस तरह हम लोग डेट ऑफ बर्थ का हिसाब रखते हैं ना, वो बुलूगत का भी हिसाब रखा करते थे, क्योंकि उनको फिक्र होती थी कि नमाज एक भी कज़ा ना हो, क्योंकि हमें नमाजी की फिक्र नहीं तो हमें इस बात का पता भी कोई नहीं। अगर मालूम है कि किस दिन हम बालिग हुए तो फिर तो वही दिन होगा, अगर नहीं मालूम तो। अब मुफ्ती हजरात ये फरमाते हैं कि मर्द अगर है तो वह 12 साल को फॉलो करे, औरत है तो 9 साल को। अब मिसाल के तौर पर उम्र है 25 साल, हम मर्द की मिसाल भी कायम करते हैं यहां पे, तो 12 साल की उम्र लगाए तो उसने 13 साल की नमाजें इसने पढ़नी है। अब ये देखिए कि कितना कितना अर्सा इसने नमाजें पढ़ी हुई, सोच ले। बाद लोगों ने 1-2 साल पढ़ी होती हैं, शुरू में पढ़ी होती हैं, बाद ने कोई दरमियान में कोई टाइम आता है उसमें पढ़ी होती हैं, बाद ने रमजान रमजान पढ़ी होती हैं। तो इन चीजों का एक हिसाब इंसान मोटा मोटा सा लगा ले, ज्यादा अपने आप को प्रेशराइज ना करे, तो एक मोटा सा हिसाब लगा ले अल्लाह को सामने रखते हुए, कैलकुलेटर सामने रख ले, दिन गिन ले और कागज पेंसिल रख ले सामने, एक छोटा सा जायचा सा हिसाब सा बना ले अपना कि भाई इतनी नमाजें मेरी बाकी थी, ये मैंने पढ़नी है। तो हम इसका एक आसान सा हिसाब बना ले, मिसाल के तौर पर हिसाब लगाने के बाद पता लगा कि 25 साल उम्र है, 12 साल की उम्र में बालिग हुआ था, 13 साल हो गए, 5 साल की मैंने पढ़ी थी तो कितनी रह गई, 8 साल की बाकी रह गई। अभी 8 साल का हिसाब लगाए कि 8 साल की नमाजें पढ़नी है। अब ये क्या करें, एक पेपर के ऊपर नमाजों का तरीकाकार लिख लें, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, ईशा में वितर भी शामिल होंगे। तो फजर के सिर्फ दो फर्ज लौटाने हैं, मगरिब के और असर, जोहर और असर के 4-4 फर्ज हैं, मगरिब के 3 फर्ज हैं, ईशा के 4 फर्ज और 3 वितर हैं। ये इसका तरीका है इसको अदा करने का। तो इसको इंसान लिख ले, हिसाब बना ले और उसी के नीचे वसीयत भी लिख ले
कि अगर मैं इसको पूरा नहीं कर सका तो मेरे बाद फिदिया दे दें, बाकी इसकी तफसीलात फिर आगे उलमा से पूछें, अपनी जिंदगी में एक हिसाब बना लें और उसको अदा करना शुरू कर दें। अगली नई जो नमाजें हैं वो कजा ना होने दें, कोशिश करें कि वो टाइम पे पढ़ता रहे, पिछली नमाजों की कजा का एहतमाम शुरू कर दें। उसका तरतीब क्या हो, हर नमाज के साथ एक नमाज पढ़ ले तो भी ठीक है, फजर के साथ फजर पढ़ ली, जोहर के साथ जोहर पढ़ ली, असर के साथ असर पढ़ ली, मगरिब के साथ मगरिब पढ़ ली, ईशा के साथ ईशा पढ़ ली, ये भी ठीक है। लेकिन किसी एक ही वक्त में, जैसे सुबह का वक्त उसके पास फारिग है तो सारे दिन की पांच नमाजें एक ही वक्त में पढ़ लें, शाम का वक्त है या एक दिन में तीन दिन पांच दिन दस दिन की नमाजें पढ़ सकता है तो वो भी पढ़ ले, जितना आसानी के साथ सहूलत का मामला हो तो वो ये पढ़ता रहे। अच्छा, अब नियत क्या करे, अब इंसान को ये तो मालूम नहीं कि कितनी नमाजें थी और कौन सी, नमाज के अंदर नियत का होना जरूरी है। तो कजा नमाज में एक जनरल सी आसान सी नियत जो मुफ्ती हजरात ने बयान फरमाई वो ये है कि जिस वक्त इंसान कजा नमाज का हिसाब लगा ले और उसके बाद ये नियत करे, अल्लाह सबसे पहली जो मेरी फजर की नमाज कजा होती मैं वो अदा करता हूं, फिर जोहर पढ़ने लगे, अल्लाह जो सबसे पहली जोहर मेरे जिम्मे कजा बाकी है मैं वो अदा करता हूं, इसी तरह असर मगरिब इशा और वितर, इतना हिसाब लगाता रहे और करता रहे, और जितने जितने दिन की नमाज वो पढ़ता रहे, जिस तरतीब से वो पढ़ता रहे, अपने बनाए हुए पेपर में वो मिनहा करता रहे, माइनस करता रहे कि भाई इतनी पढ़ ली अब इतनी रह गई, वो जब उस पेपर को बनाएगा और उसको महाना देखता रहेगा, वो पेपर इतनी कीमती चीज होगी कि उसको बार बार उभारेगी कि मैं इसको अपनी जिंदगी में पूरा कर लूं। अच्छा, बात है, आप कहते हैं कि नफिल छोड़ दो और फर्ज पढ़ लो और कजा फर्ज पढ़ लो, उलमा ने बात लिखी है, बिल्कुल ठीक है। जैसे जोहर के दो नफिल हमने पढ़ने हैं, अगर उन दो नफिल की जगह हम पिछली जोहर की कजा नमाज अदा कर लें तो भी ठीक है। लेकिन तहज्जुद के बारे में एक बात ध्यान में रखिएगा, हमारे मशाइख ने फरमाया, एक आदमी थे वो आए, उन्होंने बैत की तौबा की, तहज्जुद पढ़नी शुरू कर दी, फिर ख्याल आया कि मैंने तो कजा नमाजें भी पढ़नी है, तो वो मैं ऐसा करता हूं कि तहज्जुद को छोड़ दूं, तहज्जुद के वक्त में कजा नमाज अदा करूं। तो हमारे सिलसिले एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनके पास आए और कहा, हजरत मैं तहज्जुद को छोड़ना चाहता हूं, आपने तहज्जुद कहा हुआ है तो मैं तहज्जुद के वक्त में भी कजा नमाज पढ़ूंगा। हजरत ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे, तहज्जुद की नमाज ने तुझे कजा नमाज की अदा करने की तौफीक दिलवाई है, तू तहज्जुद ही छोड़ देगा। तो तहज्जुद तो हम पढ़ते रहे, हाँ बाकी नवाफिल जैसे इशराक है और दूसरे अवाबीन है, इनकी तरफ अगर इंसान ज्यादा तवज्जो न करे और कजा नमाजों को अदा कर ले, ये बहुत बेहतर बात है। भाई एक ये जनरल सी बात बताई गई है, इसमें मजीद कोई आदमी पूछना चाहे तो फोन करके बात कर ले, उलमा से पूछ ले, तो हर आदमी फिर अपने हाल के मुताबिक पूछ ले। बाकी इतनी बात पक्की है कि कजा नमाजों का अदा करना बेहद जरूरी, अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए कि क्यामत के दिन जब अल्लाह के हुजूर हाजिर हो तो हमारे हिसाब में हमारे जिम्मे एक नमाज भी कजा बाकी ना हो। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।